नमस्कार, आप सभी का जयम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देख रहे हैं मेदू वड़ा कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हमने मेदू वड़ा का जो मिक्सचर होता है वो कैसे बनाते हैं, उसे कितनी देर तक दाल को भिगोकर रखा जाता है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनाने के लिए हमें इन वड़ों को कैसे बनाना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और हमने इस वड़े को मूंगफली की चटनी और सांभर के साथ परोसा है, तो आप ये भी देख सकते हैं ये वड़े कितने क्रिस्पी बने हैं, ये आपको देखने पर ही पता चल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं वड़ा की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप बहुत ही कम समय में इसे बना सकते हैं। बस दाल को हमें कुछ घंटे पहले भिगोना है और इन बहुत ही स्वादिष्ट वड़ों को चटनी और सांभर के साथ परोसना है। मेदू वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए उड़द की दाल। ये मैंने एक कटोरी दाल को 7 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। इस दाल को पहले मैंने अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लिया है और इसे 7 घंटे के लिए जो भी नॉर्मल वाटर है उसी में हमने इसे भिगोकर रखा है। अगर आपको ये वड़ा बहुत ही जल्दी खाना है या फिर कम समय में इसे बनाना है तो आप इसे गुनगुने या फिर थोड़े से गर्म पानी में 4 से 5 घंटे भी भिगोकर इसका इस्तेमाल वड़ा बनाने के लिए कर सकते हैं। तो अभी हम इस दाल को इस मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे बारीक पीसेंगे, लेकिन हमें इसमें बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल करना है। यानी कि एक कटोरी जो मैंने दाल ली है इसमें हम 1 टेबलस्पून पानी या फिर 1.5 से 2 टेबलस्पून पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 ही टेबलस्पून पानी डाला है। अभी हम इसे पीस लेंगे बारीक। ये देखिए इस तरह से बारीक पीसना है और ये अभी हो चुका है। एक हम बड़ी से प्लेट में इसे निकालेंगे। आप देख रहे हैं ये जो मिश्रण आपको उड़द दाल का दिख रहा है, इसी तरह से आपका भी बनना चाहिए मिश्रण उड़द दाल का जब भी आप वड़े घर पर बनाएं। अगर ये मिश्रण ज़्यादा पतला होता है तो इसके वड़े बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे, और बनेंगे भी तो वो अच्छी तरह से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट नहीं बनेंगे। और अगर ये मिश्रण आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगता है तो आप इसमें 1/2 टीस्पून पानी या फिर 2 टीस्पून पानी इसमें आप मिला सकते हैं। उड़द दाल का मिश्रण अच्छी तरह से ये बारीक पीस चुका है। अभी हम इसमें कुछ सामग्रियाँ डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें वरना आप ये स्किप भी कर सकते हैं। इसमें हमने कटी हुई अदरक डाली है, कुछ 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया और कटा हुआ करी पत्ता। आप ये करी पत्ता हाथों की सहायता से भी तोड़कर डाल सकते हैं। अभी अभी हमने जो ये सारी सामग्रियाँ डाली है इन्हें डालने से ये वड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ये आप स्किप कर सकते हैं। अभी हम इस मिश्रण को अच्छी तरह से इस तरह से हाथों से मिलाते जाएंगे। ध्यान रखिए कि अभी हमें इसमें नमक नहीं मिलाना है। इसे हमें इसी तरह से लगातार लगभग 7 मिनट से लेकर 10 मिनट तक इसे इसी तरह से मिलाते रहना है। आप जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से हाथों से मिलाते रहे और इसे एक जगह पर लाते रहे, फिर से मिश्रण को इस तरह से मिलाते रहे। मिश्रण को हाथों की सहायता से इस तरह से ये जो गोल गोल मिलाने वाली प्रोसेस है ये आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसी वजह से ये जो वड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ऊपर से, और इन्हें तलने के बाद ये अंदर से बहुत ही स्पॉन्जी बनते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अगर आप ये स्किप करते हैं तो आपके वड़े अंदर से अच्छी तरह से बनेंगे नहीं, फूलेंगे नहीं और खाने में भी उतने स्वादिष्ट नहीं बनेंगे। तो इसी तरह से आप इसे मिलाते रहे। और एक बात, इस मिश्रण में हमने जो कटी हुई अदरक, हरी मिर्च, करी पत्ता के पत्ते और हरा धनिया इसमें डाला है, ये आप ये जो प्रोसेस है इसे इस उड़द की दाल के मिश्रण को मिलाने की इसके बाद भी आप इसमें मिला सकते हैं। पहले इस उड़द की पीसी हुई दाल को इस तरह से 7 से 10 मिनट तक इसी तरह से मिलाते रहे और ये बाकी की जो कटी हुई सामग्रियाँ है अदरक, हरी मिर्च, करी पत्ता और हरा धनिया ये आप 10 मिनट के बाद में इसमें मिला भी सकते हैं।
अभी इस मिश्रण को मिलाते हुए 7 मिनट पूरे हो चुके हैं और ये मिश्रण बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, मेरी हाथों के ये बहुत ही नरम लग रहा है। अभी हम इसे पानी में डालकर चेक करेंगे। अगर ये मिश्रण पानी के ऊपर तैरता है तो ये वड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इससे पहले हम अभी वड़े तलने के लिए कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए ये कितना सॉफ्ट हो चुका है, कितना फ्लफी हो चुका है। अभी हम एक कटोरी में पानी लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ये मिश्रण डालेंगे और इसे देखेंगे कि ये ऊपर तैरता है या नीचे जाकर बैठ जाता है। अगर ये मिश्रण ऊपर तैरता है, ये देखिए ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब ये वड़े बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है और ये तैयार है मिश्रण। इसके वड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो चलिए अभी हम वड़े बनाते हैं। लेकिन वड़े बनाने से पहले हमें इसमें नमक मिलाना है। ये मैंने आधा टीस्पून से भी कम नमक इसमें डाला है, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। और अभी हम इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि ये जो नमक है इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। लेकिन ध्यान रखिए कि हमने जो 7 से 10 मिनट तक इसे इस तरह से मिलाया था हाथों से, तब हमें इसमें नमक नहीं डालना है। जब ये अच्छी तरह से फ्लफी हो जाए, इस तरह से ये पानी में पानी के ऊपर ये मिश्रण तैरने लगे, हम इसे चेक कर ले, इसके बाद ही में हम इसमें नमक डालेंगे और इसे मिलाएंगे और इसके अभी हम वड़े बनाएंगे। तो वड़े बनाने के लिए इस तरह का एक चम्मच ले ले, इसके ऊपर पानी या फिर तेल कुछ भी आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा ये मिश्रण रखे उड़द दाल का और इसे एक उंगली की सहायता से छेद कर ले। इस तरह से ये वड़ा बनकर तैयार है। इसे सिर्फ गोल थोड़ा सा उंगलियों की सहायता से हम इसे शेप दे देंगे और इसे हम सीधे कढ़ाई में डालेंगे। हमने इस मिश्रण को मिलाते समय ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, इसलिए अच्छी तरह से ये गर्म हो चुका है। इसे ना कम ना ज़्यादा, मीडियम आंच पर ही इसे रखें। ये गर्म होने के बाद इसमें इस तरह से चम्मच की सहायता से वड़े डालें। ये बहुत ही आसानी से बनते हैं, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये वड़े बनते हैं। और एक वड़ा हम आपको बनाकर दिखाते हैं। इस चम्मच के ऊपर इस तरह से ये मिश्रण रखेंगे, उंगली की सहायता से बीच में छेद करेंगे और इसे वड़े का शेप देंगे, यानी कि आकार इस तरह से ये दिखना चाहिए। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तरह से हल्के हाथों से इस चम्मच को इस तेल में इस तरह से हिला तो ये वड़ा बहुत ही आसानी से ये इस चम्मच को छोड़ देगा और ये तेल में अपना ये आकार बना लेगा। और ये बहुत ही सिंपल बनता है। आपको हाथों की सहायता से डालना आता हो तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं, और हम जिस तरह से दिखा रहे हैं उस तरह से भी बहुत ही आसानी से आप वड़े बना सकते हैं। और ये हमने 2 से 4 वड़े इसमें तेल में तलने के लिए डाले हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम इसे तेज़ आंच पर अच्छी तरह से इसे तलेंगे। इन वड़ों को डालने तक मैंने आँच मध्यम की थी, अभी इसे तलने के लिए तेज़ आँच पर तलेंगे। दोनों भी तरफ से वड़े क्रिस्पी और सुनहरे रंग के होने चाहिए, तो इस तरह से हम इन्हें तल लेंगे। इन वड़ों को इस तरह से मिलाते हुए तलेंगे और इसी के साथ में हम मूंगफली की चटनी भी बनाएंगे ताकि वड़े को खाने के लिए हमें थोड़ी सी भी देर ना लगे। तो ये मैंने मूंगफली की चटनी तैयार कर ली है और इसके ऊपर तड़का भी डाल दिया है। इस मूँगफली की चटनी को कैसे बनाना है, इसका वीडियो हमने डोसा बनाने का जो वीडियो हमने अपलोड किया है, डोसा बैटर किस तरह से बनाएंगे और उसका डोसा भी, तो उसमें ये डिटेल में दिखाई है। आप चाहे तो वो देख सकते हैं या फिर मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अभी ये वड़े अच्छी तरह से दोनों तरफ से सुनहरे हो चुके हैं तो हम इन्हें निकालेंगे और अभी आँच धीमी कर देंगे। आप देख रहे हैं कितने क्रिस्पी वड़े बने हैं। इसी तरह से आप बहुत ही आसानी से घर पर ये वड़े बना सकते हैं। इन बने हुए वड़ों को हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल कर रखेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर सोख ले और हमें बहुत ही स्वादिष्ट वड़े खाने के लिए मिल जाए। और इसी तरीके से हम सारे वड़ों को बनाएंगे।
और अभी ये सारे वड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, खाने के लिए तैयार है। पर उससे पहले आप ये इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये कितने क्रिस्पी बने हैं। और इन्हें अभी हम तोड़कर भी दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आपके अंदर से कितने स्पॉन्जी बने हैं, एक हाथ से भी आप इसे तोड़ सकते हैं इस तरह से। ये देखिए बहुत ही खाने में स्वादिष्ट बने हैं ये। अभी हम इन्हें परोसेंगे। तो अभी हम इसे पहले मूंगफली की चटनी के साथ परोसेंगे और बाद में इसे सांभर के साथ। तो आप दोनों भी तरीके से खा सकते हैं। सबसे पहले हम परोसेंगे इसे मूंगफली की चटनी के साथ। ये जो हमने चटनी बनाई थी इसे अच्छी तरह से मिला लें। इसे खाने से पहले नमक सही है या नहीं इसे चखने के बाद ही इसे परोसे। और ये देखिए ये चटनी बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इस मूंगफली की चटनी की जगह पर नारियल की चटनी भी बना सकते हैं, वो भी बनाना बहुत ही आसान है। और उसकी भी रेसिपी हमारे जैम रेसिपीज़ पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट ये वड़ा बनकर खाने के लिए तैयार है। आपको ये वड़ा की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैम रेसिपीज़ पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह की नई वीडियोस और बहुत सारी हर तरह के व्यंजन देखने के लिए जैम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें। अभी हम इन वड़ों को सांभर के साथ परोसेंगे। गर्मा गर्म सांभर और वड़े हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। अगर आपको इस तरह से वड़े खाने पसंद है तो आप सांभर के साथ परोस सकते हैं, या फिर जिस तरह से हमने मूंगफली की चटनी और कोकोनट चटनी के साथ भी आप इसे परोस सकते हैं। मुझे इस सांभर में इस तरह से चटनी डालकर खाना बहुत ही अच्छा लगता है। आपको किस तरह से वड़ा खाना पसंद है ये भी हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।